फ्रेंड्स, झांकी सजाने के लिए मैंने इस जगह का चुनाव किया है। पिछले साल भी मैंने यहीं पे डेकोरेशन किया था, इस बार भी मैं यहीं पे करूंगा। सबसे पहले हमने बैकग्राउंड डेकोरेट करने के लिए साड़ी का यूज किया है। फ्रेंड्स, दोनों साइड से हमने लाइट पिंक कलर का साड़ी और बीच में ग्रीन कलर का प्लेन साड़ी का यूज किया है हमने। और देखिए, बीच में हमने ये ब्लू कलर का साड़ी को इस टाइप से बांध लिया है। आप ध्यान से देखिए हमने कैसे साड़ी को यहाँ पे लगाया है। साड़ी को हम सेफ्टी पिन की हेल्प से यहाँ पे सेट कर लेंगे। देखिए, ये हमारा साड़ी का काम हो चुका है। इसके बाद मेरे पास ये आर्टिफिशियल कुछ लरी था, पत्ते वाले और फूल वाले, इन सब को हमने साड़ी के ऊपर से हैंग कर दिया है। देखिए, और बीच में हमने ये फूल वाले लरी को लगाकर दोनों साइड से हैंग कर दिया है। देखिए, कुछ इस टाइप से। फ्रेंड्स, बीच में हमने जो मटकी बनाया था इसका वीडियो चैनल पे मिल जाएगा, इसी को हमने बीच में हैंग कर दिया है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। इसके बाद हमने न्यूज़पेपर से कुछ वॉल हैंगिंग बनाया था, इसको हमने दोनों साइड एक एक लगा दिया है। और ये बैकग्राउंड बनकर रेडी है। आप इसमें मिर्ची लाइट भी लगा सकते हो, हमने बाद में लगा दिया था। और बीच में हमने ये लगाया है, ये भी मेरे पास था, मैंने इसका वीडियो डाला हुआ है चैनल पे। इसके बाद मैंने इस टाइप का एक छोटा सा टेबल लिया है और इसको इस कपड़े से हम ढक देंगे और ऊपर से गोल्डन कलर का एक लेस हम लगा देंगे। और ये हमारा ये बनकर रेडी है, इसको हम बीच में यहाँ पे लगा देंगे। और इसके बाद हमने एक और थर्मोकोल लिया है, इसके ऊपर हम ये वाला कपड़ा लगा देंगे और इस पर भी हमने लेस लगाकर इसको इसके ऊपर रख दिया है। फ्रेंड्स, हमने न्यूज़पेपर से ये दो सुराही बनाया था, इसी में हमने फूल लगाकर दोनों साइड से एक एक लगा दिया है। देखिए, इसके बाद हमने जो राधा कृष्ण का मूर्ति बनाया था कुछ दिन पहले, इसको हमने बीच में लगा दिया है। इसका वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। और ये ऊपर का काम हो चुका है। अब हम नीचे के साइड हमने कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर था मेरे पास, इससे हमने डेकोरेट कर लिया है। और ये मेरे पास आर्टिफिशियल प्लांट था, हमने अमेजोन से खरीदा था, इसको हमने यहाँ पे लगा दिया है। नीचे के साइड हमने ये ग्रास सीट बिछा दिया, इसको भी हमने ऑनलाइन खरीदा था। और बीच में हमने ये झूला लगा दिया है, इसका भी वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगा। और ये लड्डू गोपाल भी मैंने खुद से बनाया है, इन दोनों का वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगा। और ये मैंने वाल पुट्टी से छोटा छोटा स्टोन बना लिया था, इसी से हमने ग्रास के ऊपर डेकोरेट किया है। देखिए फ्रेंड्स, आप ऑनलाइन कुछ भी सामान वगैरह मंगाओगे या कपड़े वगैरह, तो उसमें इस टाइप का कागज होता है, इसी को हमने यहाँ पे बिछा लिया है। और साइड साइड से हमने ये स्टोन लगाया है। फ्रेंड्स, इस पेपर का रंग मिट्टी जैसा होता है, इसीलिए हमने इसका यूज किया है। आप चाहें तो यहाँ पे मिट्टी भी बिछा सकते हो जमीन पे और साइड साइड से स्टोन से डेकोरेट कर सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ये रास्ता बनाया है। देखिए, हमारा ये रास्ता बनकर रेडी है, रोड। अब साइड में हम ये गांव बनाएंगे, इधर के साइड से मैंने प्लाई से घेर दिया है। देखिए, और नीचे की साइड हमने ये कार्डबोर्ड बिछाया है, इसके ऊपर हमने वो पेपर लगा दिया था ब्राउन कलर का। कोने में हमने एक कोकोनट ट्री लगा दिया है, ये मैंने पेपर से बनाया था। और जो हमने नंद भवन बनाकर आपको दिखाया था, इसका वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगा, उसी को हम यहाँ पे सेट कर देंगे। इसके बगल में मैंने ये गौशाला लगाया है, इस गौशाला का वीडियो भी मेरे चैनल पे अपलोड है, आप जाकर देख सकते हो। और इधर के साइड हमने ये छोटा वाला झोपड़ी लगा दिया है। और यहाँ पे हमने मटका वगैरह रख दिया जो हमने छोटा छोटा बनाया था, ये सब का वीडियो मिल जाएगा मेरे चैनल पर। यहाँ पर हमने ये डॉल को डेकोरेट करके यशोदा माँ बना लिया है। और यहाँ पर पालना लगाकर हमने छोटे से कृष्ण जी को रख दिया है, इन सब का वीडियो मिल जाएगा मेरे चैनल पे। यहाँ पे हमने तुलसी चौरा बनाया, इसको लगा दिया है। और आगे से हमने नंद भवन का जो गेट है, इसको लगाकर साइड साइड से रेलिंग लगा दिया है। नंद भवन बनकर रेडी है। इसके बाद जो गौशाला बनाया था, इसमें हम इस गाय को लगा देंगे। और एक मिट्टी का दिया लिया है, इसमें हमने ये घास रखकर गाय को खाने के लिए टोकरी बनाकर हम गौशाला में रख देंगे। इस गाय का वीडियो और मैंने ये ग्वाला बनाया है, इन सब का वीडियो चैनल पे मिल जाएगा। कार्डबोर्ड की हेल्प से हमने एक पहिया बनाया था, इसको हमने गौशाले के बगल में लगा दिया है। पीछे से जो हमने प्लाई बोर्ड लगाया था, इसमें हमने ये आर्टिफिशियल लरी था मेरे पास, इसको हमने यहाँ पे लगा दिया है। फ्रेंड्स, हमने कुछ दिन पहले दो घोसला बनाया था गार्डन में रखने के लिए, वो झोपड़ी जैसा दिखने में लग रहा था, तो इन दोनों को हमने झांकी में ऐड कर दिया है। और ये कुआं भी मैंने खुद से बनाया, इसको यहाँ पे लगा दिया, इसका वीडियो मिल जाएगा मेरे चैनल पे। और ये गोपी हमने कुआं के बगल में रख दिया है पानी भरते हुए। फ्रेंड्स, नंद भवन के आगे का जितना जगह था, उसमें हमने ये बालू बिछा दिया है, जो घर वगैरह बनने में यूज होता है बालू, उसी को हमने बिछाया है। और ये हमने क्रिसमस के टाइम एक तबेला बनाया था, इसको हमने यहाँ पे लगा दिया है। और एक हिरन भी हमने बनाया है, इन सब का वीडियो मिल जाएगा। तबेले के अंदर हम इस मुर्गी को लगा देंगे, दोनों मुर्गी को हमने इधर के साइड लगा दिया है। इस मुर्गी को मैंने वाल पुट्टी से बनाया है और इसे मैंने क्रिसमस के टाइम बनाया था, देखिए इसको हमने यहाँ लगा दिया है। फ्रेंड्स, क्रिसमस के झांकी के लिए हमने उस टाइम ये भेड़ बनाया था वाल पुट्टी से, इसका वीडियो मिल जाएगा मेरे चैनल पर। इसको हमने यहाँ पे लगा दिया है तबेले में। और बीच में हमने एक काऊ बनाया था, इसको हमने यहाँ पे लगा दिया है। और गाय को खाने के लिए हमने थोड़ा सा घास रख दिया है यहाँ पे। और एक हमने यहाँ पे पुतला रख दिया है, ग्वाला बनाकर हाथ में लालटेन पकड़े हुए हैं। और ये मेरे पास छोटा छोटा खिलौना था, इसको हमने यहाँ पे लगा दिया है। और हमारा ये तबेला बनकर रेडी है, गांव जैसा लुक आ रहा है। यहाँ पे हमने न्यूज़पेपर से ये बैलगाड़ी बनाया था, इसको हमने यहाँ पे लगा दिया है। इसका वीडियो नहीं मिलेगा मेरे चैनल पर, क्योंकि मैंने बहुत पहले ये बनाया था, लेकिन मैं जल्द ही इसका वीडियो डालूंगा। यहाँ पे प्लास्टिक के मेरे पास छोटे छोटे खिलौने थे कुत्ते के, उसको हमने यहाँ पे लगा दिया है।
फ्रेंड्स हमने वाल पुट्टी से छोटा छोटा स्टोन बना लिया था, इसी से हमने देखिए यहाँ पे रास्ता बनाए हैं रास्ते के साइड साइड से, और यहाँ पे हमने ये घेर दिया है नीच ऊपर से, हमने ये बनाया था, इसको हमने सिखाया है नंद भवन वाले वीडियो में। अब हम दूसरे साइड झांकी को डेकोरेट करेंगे, यहाँ पे भी हमने ब्राउन कलर का पेपर बिछा दिया है और साइड से हमने कार्डबोर्ड पे ब्लैक कलर का कपड़ा लगाकर घेर दिया है, और हम बीच में यहाँ पे जो हमने कंस का आकार बनाया था पिछले साल इसको हम यहाँ पे लगा देंगे। इस कंस का आकार का वीडियो मिल जाएगा, हमने इसमें एक बल्ब सेट कर दिया है, इसको हम बाद में चलाकर दिखाएंगे। और साइड साइड में हमें पर्रेदार को रख देंगे, इसे हमने वाल पुट्टी से बनाया है, इसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में कंस कारागार का। कंस कारागार के साइड में हमने एक ईंट रखकर और उसके ऊपर हमने एक ट्री को रख दिया है, इसे मैंने वाल पुट्टी और पेपर की हेल्प से बनाया है। इसके बाद हम साइड में गोवर्धन पर्वत की झांकी को लगाएंगे, ये गोवर्धन पर्वत भी मैंने पिछले साल बनाया था, इसका वीडियो मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसको हमने यहाँ पे लगा दिया है, और नीचे की साइड हमने ये दो गोपी और ग्वाला बनाया था, इसको हमने यहाँ पे लगा दिया है नीचे पर्वत के नीचे। और गोवर्धन पर्वत के नीचे हमने बालू को बिछा दिया, आप चाहें तो यहाँ पे मिट्टी भी बिछा सकते हो। इसके बाद हम वासुदेव जी को यमुना नदी पार करते हुए झांकी बनाएंगे, तो हमने ये नदी बनाया था पिछले साल, इसका वीडियो मिल जाएगा मेरे चैनल पे। तो हमने नदी को रखकर साइड साइड से बालू बिछा दिया है, आप यहाँ पे मिट्टी भी बिछा सकते हो। और ये हमने वासुदेव जी बनाया था वाल पुट्टी से, इसको हमने यहाँ पे लगाकर ऊपर में कृष्णा जी को रख दिया है टोकरी में, और जो टब है इसमें हम पानी भी भर लेंगे बाद में। फ्रेंड्स हमने जो यमुना नदी बनाया है इसके आगे जितना भी जगह बच रहा है इस पर हमने मिट्टी बिछाया है, आप यहाँ पे बालू भी बिछा सकते हो, हमने यहाँ पे मिट्टी पूरे में बिछा लिया। इसके बाद जो हमने पुतना बनाया आपको सिखाया था, इसको पुतना को हमने यहाँ पे लगाकर कृष्णा जी को इसके ऊपर रख दिया है, इसका वीडियो भी मिल जाएगा, मैंने दो दिन पहले इसका वीडियो डाला हुआ था। और साइड साइड से हमने स्टोन से डेकोरेट करके ये रेलिंग लगा दिया है, रेलिंग मैंने न्यूज़पेपर से बनाया था। फ्रेंड्स कुछ दिन पहले हमने आपको मीराबाई और जगन्नाथ जी की मूर्ति बनाना सिखाया था, इसको हमने यहाँ पे लगा दिया, इसका वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स जब पूरा झांकी बनकर रेडी हो गया उसके बाद हमने मिर्ची लाइट से पूरे झांकी को डेकोरेट कर दिया था, और हमारा ये झांकी बनकर रेडी है। देखिए इसका फाइनल लुक और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स हमने झांकी सजाने के लिए जितना भी क्राफ्ट बनाया है, अगर आपको सीखना है कि ये सब मैंने कैसे बनाया है, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल पर जाकर जन्माष्टमी डेकोरेशन आइडियाज वाले प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, उसी के अंदर आपको इन सारे क्राफ्ट का वीडियो मिल जाएगा।
फ्रेंड्स, आप चाहे तो आप भी अपने जन्माष्टमी के डेकोरेशन का वीडियो या फोटो मेरे साथ शेयर कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।